मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। उज्जैन के प्रदूषण की चिंता करते हुए प्रशासन ने पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अभी उज्जैन का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 87 से 101, जो मॉडरेट श्रेणी यानी मध्यम श्रेणी में आता है। पटाखे जलाने से AQI की स्थिति निम्नतम होने की आशंका रहती है, इसलिए प्रशासन ने केवल 2 घंटे ही पटाखे छोड़ने की अनुमति दी है। इसमें भी उन्नत किस्मों और ग्रीन पटाखे ही छोड़े जा सकेंगे। शाजापुर में भारतीय स्टेट बैंक की 3 शाखाओं में गोल्ड लोन के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बैंक में असली के नाम पर नकली सोना गिरवी रख दिया गया। इस पूरे मामले में बैंक वैल्यूअर की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद बैंक वैल्यूअर शाखा प्रबंधकों का फोन नहीं उठा रहा है, वह गायब बताया जा रहा है। अब तीनों बैंक में गोल्ड लोन की बैंक स्तर पर जाँच शुरू कर दी गयी है। रतलाम के त्रिवेणी मुक्ति धाम में अनोखी दिवाली मनाई जाती है। आमतौर पर शमशान का नाम आते ही अंधेरे से भरी एकांत जगह की तस्वीर सामने आती है, लेकिन दीपावली के मौके पर रूप चौदस के दिन रतलाम के इस मुक्ति धाम में हर्षोल्लास के साथ महिलाएं और छोटे बच्चे दीपावली मनाते हुए नजर आते हैं। प्रेरणा संस्था से जुड़े सैकड़ों लोग यहाँ दीपदान करने और पूर्वजों को याद करने पहुँचते हैं। इंदौर में एक डॉक्टर के साथ 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यहां डॉक्टर के पास मरीज बनकर पहुंचे ठगों ने पुराने सोने का लालच देकर डॉक्टर से 40 तोला सोना और 11 लाख नकद लेकर चपत हो गए। बाद में जांच करवाने पर डॉक्टर को पता चला कि उसने जो पुराना सोना लिया है वह तो पीतल है। ठगी का शिकार होने के बाद डॉक्टर ने इसकी शिकायत आजाद नगर पुलिस के पास की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उज्जैन में 10वीं के छात्र ने खुद के अपहरण की साजिश रची। यकीन दिलाने के लिए खुद को चोट भी पहुंचाई। पकड़े जाने पर पूरे मामले का खुलासा होगा। वह कोचिंग जाते समय घर से भाग गया था। परिवार वालों ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने खुलासा किया कि छात्र को फ्री फायर गेम की लत है। उसने फ्री फायर गेम में डायमंड और पैक्स खरीदने के लिए अपनी माँ के अकाउंट से 1500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे।